दामन छुड़ाने के बाद अब नीतीश कुमार की निगाह पीएम की कुर्सी पर है और ये साफ भी हो गया है। बीजेपी से अब कभी भी तालमेल नहीं करने का ऐलान करने वाले नीतीश अब विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकल पड़े हैं। कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। 2024 अभी दूर है, लेकिन बीजेपी को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार करने में जुट गए हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश ने पूरा प्लान किया कि किस तरह बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर किया जा सकता है। विपक्ष एकजुट होगा तो इनको हराया जा सकता है। अगर सब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो ये नहीं होगा। ये बात हुई, अभी हमको जाने वाले हैं कुछ दिन में दिल्ली भी, सब लोगों से बात करने वाले हैं जो हम लोगों का साथ दे रहे हैं, उनसे तो मिलेंगे ही, लेकिन अन्य कई लोगों से बात हुई है, विभिन्न पार्टी के लोगों से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और सबको उनसे जवाब देंगे। अगर ये बात अगर मान लेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य विरोधी पार्टियां हो, सब मिल करके इस पर अगर गौर करें और मिल करके अगर एकजुट होंगे तो इनका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एकजुट अगर नहीं होंगे तो इसको खूब लाभ होगा। कुछ इधर से उधर तो कर रहा है आजकल। जेडीयू कार्यकारिणी में बीजेपी पर हमला करते हुए नीतीश के तेवर तल्ख थे। उन्होंने उस मजबूरी का जिक्र किया कि उन्हें क्यों बीजेपी से अलग होना पड़ा, कि किस तरह बीजेपी आरसीपी सिंह को उनकी सरकार गिराने के लिए एकनाथ शिंदे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। उन्होंने ऐलान किया कि अब वो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अपना कुछ कुछ कहते कहते हमको ले गए, चले गए, ये मूर्खता किया हमने। लेकिन उसके बाद जो एहसास हुआ कि किस तरह से हम लोगों के पार्टी को ही ये तोड़ता है, ये क्या मतलब है? ऐसे लोगों का मतलब क्या है? ये तो आप जान लीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। नीतीश के तेवर से उनकी रणनीति साफ नजर आ रही है। खबर है कि आज से 2-3 दिन के दिल्ली प्रवास में विपक्ष के विभिन्न नेताओं से मिलकर वो इस रणनीति पर ठोस तरीके से काम भी करने वाले हैं। दिल्ली दौरे में नीतीश, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिल सकते हैं। हालांकि बीजेपी को नीतीश की चुनौती में कोई दम नजर नहीं आता। जो नीतीश बाबू ने औकात दिखाने की बात की है, देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी। 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2010 में 85 सीट था, आज घट के 43 पर आ गए और आज तक अकेले कभी चुनाव लड़ कर के सत्ता में नहीं आए, औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी। बेशक नीतीश के पास अपना बहुत बड़ा जनाधार नहीं, लेकिन उन्हें ये पता है कि मोदी के मुकाबले विपक्ष का स्पेस अभी खाली है और वो ये जगह भर सकते हैं। अगर विपक्ष की तरफ देखें तो पीएम दावेदार के रूप में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे नाम हैं, लेकिन नीतीश भी इस रेस में पीछे नहीं। बिल्कुल, क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करे? 45 मिनट हो गया आपका। नहीं, बैठे बैठे इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या। नीतीश कुमार कदम बढ़ा चुके हैं, अब देखना ये होगा कि विपक्ष की दूसरी पार्टियां क्या उनको इस रूप में मंजूर कर पाती हैं। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।